एक इंटरेस्टिंग कंट्री जहाँ पे हालत बहुत खराब है और यहाँ पे मिलिट्री कूप बहुत हो रहा है, पर मिलिट्री रूप क्या है? तो अभी हम लोग छत पे आ गए इस मॉस्क के, पूरा ऐसे बना है, पूरा मिट्टी से बना है, 84 पिलर्स है इस पूरे मॉस्क। समझाऊंगा आपको ये अफ्रीका का एक फिनोमेना मिलिट्री कूप, और पहले वीडियो में दिखाते हैं इसका पुराना मड मॉस्क जो कि बोबो-दिओ-लासो में फेमस है, जो कि है बुर्किना फासो का मेरा पहला स्टॉप, माई कंट्री नंबर 78। और आओ एक्सप्लोर करें बुर्किना फासो की अजीबोगरीब हिस्ट्री और इसका थोड़ा लाइफ कल्चर और लोगों का लाइफ इस वीडियो में देखा जाए बुर्किना फासो वालों को। स्वागत है बुर्किना फासो में। बुर्किना फासो का ये शायद दूसरा वीडियो है, हम लोग है बोबो-दिओ-लासो में। अब बज गए डिनर का टाइम है, पर मेरे को चाहिए कॉफी और ऐसे स्पेशल। फाबियन साकर हैं? फाबियन दसन ओके 200 फ्रैंक यानी कि 27 रुपए। बढ़िया से कॉफी। तो ये यहाँ का खाना है, ये तो मैं बहुत देख चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस में। ये कसावा का डो बंदा रहता है। ये मीट जो है ये भाई साहब बता रहे कि चूहे के परिवार से है, बड़ा चूहा टाइप का कुछ पता नहीं, बट इसमें मछली फिश नहीं है और बीफ भी नहीं है। मैंने कंफर्म किया इनसे बार बार पूछ के, तो ट्राई करते हैं, पता नहीं कितना खा पाएंगे। सो यू शो मी लोकल इज कॉल्ड दिस टू बट द यूज ऑफ कसावा to kasaga powder cassava powder, powder yeah. To cook this and the soup is gombo in French, but I don't know in English. The soup. What is the name of the animal? Agouti from forest. From the forest. Yeah. You hunt it? Yeah. Yes, last. And you make it with onion and everything. Yeah, before yesterday I bring this from my farm. क्या पता नहीं क्या क्या खाना पड़ेगा, बट यही मज़ा है खा के ट्राई करने का, बस पेट वेट खराब ना हो। सो गो अहेड। या बोन अपेटी। ओके एंड व्हाट इज द वाटर टू क्लीन हैंड। शी अंडरस्टूड। ओके यार पहली बार ये कर रहा हूँ, बहुत ही मोटा है, ऐसा लग रहा है कि अपना आटे को बस पकाया नहीं, आटे का वो बना दिया है। मीट तो लूँगा नहीं पहली बार बस सॉस का मज़ा लेते हैं, और आप के साथ पहली बार इसके खाते हैं। मीट का टेस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेरे से नहीं होगा शायद ज़्यादा, आप लोगों को पता है कि मेरे से ज़्यादा नहीं होता ये सब। तो ये वो मीट है, लग तो रहा चिकन जैसा है, खाते हैं यार। टेस्ट लाइक चिकन। पता नहीं कौन से चूहे का क्या खिला दिया, सोच के अगर चिकन बोलता तो मैं खा लेता मन खुल के, अभी पता है तो देखो दिमाग में कुछ और चल रहा है। कल रात को वो मतलब खाने के बाद आज सुबह तो एक बढ़िया सी कॉफ़ी कल रात को वो खाने के बाद आज तो एक बढ़िया सी कॉफ़ी बनता है सुबह। तो सुबह के 11 बजे उठा था, मस्त सोया मैं, क्रोसों ले लिया है, क्रोसों तो नहीं कहूँगा इसको, क्या कहते हैं पता नहीं, चॉकलेट सा है बढ़िया, और कॉफ़ी। अभी आप लोगों को बताते हैं सीन क्या है यहाँ पे। यहाँ पे अभी पूरे बुर्किना में मैं अपने होस्ट के साथ बात कर रहा था, तो यहाँ पे सीन सही नहीं है, हालत ख़राब है, पर अभी लगता है लोगों के, अरे इधर इतना नॉइज़ है, मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ, खाना खाता हूँ उसके बाद बताता हूँ बुर्किना में क्या हालत चल रहा है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि इस पूरे एरिया में अफ्रीका में फ्रांस राज करता था, और जब फ्रांस राज करता था उन्होंने हर देश का अलग अलग नाम दिया था,
जैसे कि माली को कहते थे अलग टाइप का सूडान, वैसे ही ये जो बुर्किना फासो है आज के दिन में, इसको ये लोग कहते थे अपर वोल्टा। वैसे लोअर वोल्टा नाम का कोई देश नहीं था, बस अपर वोल्टा था, क्योंकि वोल्टा नदी के आजू बाजू में ये देश है। तो फ्रांस जब छोड़ा 1960s के टाइम, तो ये देश अपर वोल्टा ही था, कुछ रूलर्स थे। फिर 1980 के आसपास, 83 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक रूलर आया शंकारा। हाँ, हिंदू देश नेम टाइप का था, बट अलग था, यहाँ ही कहता। वो बहुत ही अच्छा बंदा था, उसने आके रूल करना शुरू कर दिया 1983 के आसपास। उसने 5-6 साल रूल किया, पर उसके लीडरशिप में बुर्किना फासो, उसने नाम दिया बुर्किना फासो। बुर्किना फासो का मतलब है अच्छा इंसान, या फिर अच्छा मैन, या फिर होली मैन, या फिर अच्छा इंसानों का जगह। इसलिए अपर वोल्टा का नाम चेंज करके कर दिया बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो करने के बाद फिर क्या हुआ, वो जो नया बंदा था शंकर वाला, वो तो बहुत बढ़िया था, बहुत रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहा था। बट इस रिफॉर्म्स के चक्कर में नीचे वाला देश जो आइवरी कोस्ट है, जो कि बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही यूरोपियन है, उनके साथ अच्छी नहीं बनी, और पुराने जो फ्रांस के साथ ताल्लुकात थे वो ख़राब होने लगे। तो ये देख के पता नहीं क्या हुआ, बट रिपोर्ट्स कहते हैं कि फ्रांस की मदद से लोकल एक बंदे ने आके इसका मर्डर कर दिया। जो बच्चा पहला अच्छा प्रेसिडेंट था इस देश का, उसको मार दिया। वो 6-7 साल रूल करने के बाद उसको मार दिया और टेक ओवर कर लिया। उस टेक ओवर के बाद वो कम से कम एक डिक्टेटर जैसा ही था। उसने 25-27 साल रूल किया, 25-27 साल रूल किया, और पूरे देश का हालत ख़राब कर दिया। चूसता रहा, और तब आजू बाजू देश के साथ संपर्क अच्छे बनने लगे, क्योंकि आइवरी कोस्ट के साथ भी शंकर संपर्क अच्छे बनने लगे और फ्रांस के साथ भी अच्छे बनने लगे। बट ये बाद में लोगों को पता चला कि ये बंदा बहुत ख़राब है, इसको चूसता गया। और फिर 2015 में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। बहुत प्रोटेस्ट करने के बाद 2015 में, जो कि ज़्यादा लेट की बात नहीं है, आज से 8-7 साल की पहली बात है, 2015 में प्रोटेस्ट के बाद ये जो बंदा था जिसने अच्छे शंकर को मार दिया था, उसने छोड़ दिया अपना पद और बोला चलो इलेक्शन कराते हैं, और ये भाग गया। आज के दिन में ये आइवरी कोस्ट में भागा हुआ है। और फिर नया इलेक्शन हुआ, एक बंदा आया, रूल करते करते इलेक्शन जीतने के बाद, रूल करते करते 2022 में क्या हुआ, नहीं उसका फिर से रीइलेक्शन हुआ, फिर से जीता, सेकंड टाइम जीता रूल करते करते, पर थोड़ा डिग्रेड कर रहा था कंट्री। तो क्या होता है अफ्रीका में, किसी भी देश में मिलिट्री जो रहता है, मिलिट्री डिसाइड करता है कि देश सही नहीं चल रहा है, तो मिलिट्री का कोई भी लीडर आके प्रेसिडेंट के घर जाता है, कूप कर देता है। कूप यहाँ पे बहुत कॉमन बात है। अगर आप पकड़ लो सिर्फ माली, बुर्किना फासो और नीजर, इन तीनों देश में टोटल 17 कूप हो चुके हैं 1960s के बाद। और अगर हम लोग पूरा वेस्ट अफ्रीका पकड़ लें, तो पूरा वेस्ट अफ्रीका में मान लो टोटल 50-70 कूप हो चुके हैं। पूरी दुनिया में बहुत कूप होता है, आज के दिन में सूडान में भी चल रहा है, पर हम लोग इंडियंस को इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इंडिया में कभी कूप हो ही नहीं सकता। इंडिया का जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है, और इंडिया के जो तीनों मिलिट्री के हेड्स हैं, जैसे आर्मी, नेवी और क्या कहते हैं प्लेन वाला जो एविएशन है, तीनों के हेड कभी एक साथ नहीं मिल सकते। बहुत रूल्स हैं इंडिया में, जब इंडिया में कभी कूप हो ही नहीं सकता, इंडिया में कभी कूप हुआ नहीं, पर यहाँ पे कूप होता रहता है। कूप में क्या होता है, आर्मी का बंदा डिसाइड करता है कि हमारा जो करंट प्रेसिडेंट है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करता है वो मिलिट्री लेके घुस जाता है प्रेसिडेंट के घर और बोलता है निकलो अपने पद से, हम लोग रूल करेंगे। ये कूप पूरे अफ्रीका में बहुत कॉमन है, सिर्फ अफ्रीका में नहीं, लैटिन अमेरिका में भी बहुत होता है, यूरोप में भी एक टाइम में बहुत होता था। तो आज के दिन में अफ्रीका में कूप होने का मतलब होता है कि मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है इसका, कोई भी आके कूप कर लेता है। तो वैसे ही जब मैं मॉरिटेनिया में था, मॉरिटेनिया में तो बहुत कूप होते हैं, कोई भी प्रेसिडेंट 4 साल रूल नहीं कर पाता, 3 साल के बाद ही कूप हो जाता है, 3 साल के बाद ही कूप हो जाता है, तो लोकल्स को फर्क ही नहीं पड़ता है, बहुत पीसफुल कूप होता है। पर यहाँ पे पीसफुली नहीं हुआ था। तो 2022 यानी कि पिछले साल सितंबर में, नहीं जनवरी में पहला कूप हुआ, एक बंदा आया और जो करंट प्रेसिडेंट था, जो जीता हुआ था, उसको निकाल दिया और खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। फिर लोगों को पता चला कि ये जो नया बंदा जिसने कूप किया, ये भी यूरोपियंस और आजू बाजू देश का मिला हुआ चाल था, ये भी सही बंदा नहीं था। तो सेम साल मतलब 2022 में जनवरी में पहला कूप हुआ,
और फिर 2022 में सितंबर में, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 7-8 महीने बाद दूसरा कूप हो गया। मतलब एक मिलिट्री बंदा ने टेकओवर किया, तभी जो मिलिट्री था वहाँ से एक और बंदे ने टेकओवर कर लिया, और आज के दिन में वही बंदा टेकओवर कर रहा है और वो 34 साल में टेकओवर किया। और अभी एक साल भी नहीं हुआ है, आज है अभी जून सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 7-8-9-10 महीने से रूल कर रहा है और दुनिया का सबसे यंगेस्ट लीडर है, सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। और मेरे होस्ट का मानना है कि ये बंदा बहुत बढ़िया है। इसका नाम क्या है मैं आपको लोगों को देख के बताता हूँ, अभी आपको फ़ोटो भी दिखाता हूँ इसका। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? ये बंदा पहला कुक किया, पहले वाला 2 जनवरी में, और फिर बुर्किना फासो प्रेसिडेंट, अभी है बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट इब्राहिम तारोते। ये जो बंदा है, ये बंदा, इसका इमेज दिखाता हूँ आप लोगों को। ये बंदा सिर्फ आज के दिन में सिर्फ 35 साल का है और दुनिया का सबसे यंगेस्ट लीडर है, और लोगों का मानना है ये बंदा सही है, ये रहेगा तो देश की तरक्की होगी, ये रहेगा तो सब बढ़िया होगा। तो दुनिया का सबसे यंगेस्ट लीडर कहाँ पे है? बुर्किना फासो में। 34 साल में टेक ओवर किया था, आज के दिन में 35 साल का उम्र का है। बट क्या पता, यहाँ पे इतने कूप होते हैं, कल को इसको भी टेक ओवर कर ले कोई और बंदा मिलिट्री से आके कि ये बंदा सही नहीं है, नया लीडर लाओ। कूप यहाँ पे एकदम माझ भात, मतलब नॉर्मल बात है, कुछ बड़ी बात है ही नहीं यहाँ पे, तो कॉमेडी है एक चीज़ छोटा सा। पर यही है सिचुएशन इस देश में, बहुत इंस्टेबिलिटी है, बहुत ख़राबी है, बहुत गरीबी है। तो मेरे जो होस्ट है, यहाँ पे आर्टिस्ट है और नेचुरल कलर से कपड़े पेंट कर रहे हैं। वेयर डू यू बाय दिस? सेकंड हैंड मार्केट? नो, आई जस्ट बाय विद टिश्यू टू गिव टू माय टेलर। इज माय टेलर टेलर हु मेक हु सो हु सी हु सी या सो बट दैट टाइम इज व्हाइट कलर, white like this, yeah, like this. And then how do you make the brown? You make from Tyler, or sometimes you buy second hand also? Yeah, something I buy some second hand. This is second hand I buy. This one second hand. This dry or wet? It's wet. It's no, it's yeah, you can see it's little wet now. You see, ये आर्टिस्ट है और आर्ट करके चला रहे अपना, और मेरे को होस्ट कर रहे, बहुत बढ़िया आदमी है। दिस इज नॉर्मली इफ आई लेटर आई हैव टू वॉश, यस आई वॉश, यू सी दिस स्टेज, यू सी दिस इज ओरिजिनल नॉर्मल कलर। आई यूज मड क्ले टू ड्रॉ विद दिस स्ट्रोक। एंड वेयर डू यू सेल इट? But now it is somebody who ordered all. Ah, someone ordered? Yeah. How many order you get? But now, so long time, I don't get too much order. But now you have an order. Like 12. This is for 12 for one person. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. There is some outside. But this is Burkina people or some? Yeah, it's Burkina people. Yeah, it's Burkina people. The order for one party. Yeah. Wow, nice. And then if not, normally I sell to European, I send to Europe. I have one friend who is musician. When we do show, he try to show to people who would like to buy and promote that my art, because it's natural. I use this leaf. This leaf. What is this leaf? It's called ungalama. It is they use to for sickness, if for health. When we boiling, somebody can drink and be better. And this also wood. Resin is like resin. Resin, okay. But not normal resin. For bush. For bush. It's small. Mm. The skin of that resin tree. This give red. Mm. You can use red with this.
तो ये यहाँ पे अपना खुद का रंग बना के बेच रहे हैं, और इन्होंने बताया कि अभी जो करंट वाला लीडर है बढ़िया है, एंड द रेड कलर इज कमिंग आउट, यू सी, यू सी, उनको अच्छा लगता है जब भी मैं दिखाता हूँ, because this tissue is cotton, it is second hand but all but cotton, yes, yeah. और ये इनकी गर्लफ्रेंड है जो बालों में ब्रेड्स कर रही है. How much she charges for one person? Like $20, like 20. No, no, tell me in Sifa because I can. In Sifa, yeah. In Sifa, like she maybe. Like she, how much this woman is paying her like, right today? Like 15,000. 15,000. 15,000. In Sifa. Including, so your. Yeah, because that's the thing. No, the person bring the. Ah, the person bring. Yeah, she charge. And how much it costs this this material? I don't know. Can maybe you ask how much is the material costing for her today? Machine is somewhere good in your hand. Maybe I'll bring one. Machine is somewhere to get it. Ah, me do pack it in your. Do meal. If it, yeah. How much? Okay. It's different price. But what is today? This one is like 5,000? Not 5,000. 2,000 is 2,000, but 4 times. 2,000 4 times is like 8,000. Yeah, 8,000. Why 4 times? Because she buy from packs. Ah, 4 packets. Yeah, 4 packets. So 8,000. Yeah, one is. And your wife is taking 15,000. Yeah. तो यार 15,000 सिफा ले रहा है बालों को ऐसे बनाने के लिए, और माल यूज कर रहा है 8,000 सिफा का. आपको पता है 15,000 सिफा का मतलब कितना होता है? 15,000 सिफा का मतलब मैं आप लोगों को गिन के बताता हूँ. 15,000 सिफा का मतलब हो जाता है तकरीबन 2,000 रुपये लेगी. एंड बहुत देर से काम कर रही है, कल रात से इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था. तो पता नहीं इंडिया में कितना लेता होगा, बट इंडिया में तो स्टाइलिश वाले बहुत लेते हैं. हम लड़कों को नहीं पता, लड़की लोग को पता होगा. और वो जो माल है, माल का अलग से 8,000 सिफा, यानी कि मान लो 1,000 रुपये, तो 3,000. सो शी इज़ स्पेंडिंग अराउंड 25,000 सिफा फॉर होल, मोर और लेस. आई सॉ लास्ट नाइट शी वाज गेटिंग रेडी एंड इट्स गोना टेक ऑल डे. वाओ. और ये लोग ना अपने बालों को चेंज करते रहते हैं. ये सब तो आपको पता है, मैंने अफ्रीका में पहले दिखा चुका हूँ. बट यही था बोबो दिलासु. ट्रेन भी सूख गया है, पानी की कमी है. यहाँ पे मेरा होस्ट यहाँ से खाना ले रहा है. और ये लोग ना भले ही फ्रेंच स्पीकिंग है, पर इनका खुद का एक भाषा है इस एरिया में. तो वो भाषा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. लोग अपने में बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा. मैंने लिया अपने साथ इधर अचे के मतलब क्या होता है, जो कसावा का डो होता है उसको भी लोग ड्राई करके राइस टाइप कुछ बनाता है. अचे के और बीन्स और कुछ सब्जी लिया है मैंने. 500 सिफा दिया. इसके साथ मछली भी आता है. मछली के साथ 500 सिफा है, पर मैंने बोला मेरे को मछली नहीं खाना, तो बिना मछली के 400 सिफा. आप गिन लो भाई, और सिफा एक्सप्लेन नहीं कर सकता. तो इसे कहते हैं अच्छे के. ये एक्चुअली कसावा का ही है. कसावा को ड्राई करके एकदम चावल जैसा बनाया जाता है. सूजी जैसा होता है ना, सूजी जैसा टेक्सचर है इसका, एकदम सूजी जैसा टेक्सचर है. साथ में ये अपना बीन्स और ये तीखा. यहाँ पे अच्छा है कि अफ्रीका में तीखा मिलता है. लैटिन अमेरिका में तो तीखा मिलता ही नहीं था. अपने कुछ प्याज लो, बनाओ अपना, आप खाओ. ये मज़ा यार, घूमते घूमते जैसे लोकल्स खाते हैं वैसे खाने का. ये सब कंट्रीज में आके इंडियन रेस्टोरेंट में खाऊंगा तो क्या मज़ा है फिर. तो मतलब एक टाइम तो बनता है, फिर बाकी टाइम आप जैसे भी खाओ. एक दो बार तो ट्राई करना बनता है. और अभी हम लोग जा रहे वो बदला से छोड़ के इसकी कैपिटल वागा डुगू में. अले गो गो लेट्स गो लेट्स गो. ये मेरी होस्ट की ये हमें लेके जा रही है गैराज के लिए, जहाँ पे हम लोग को बस मिलेगा इसका कैपिटल वागा डुगू जाने के लिए. अभी बचे सुबह के 11:30. लेट कर दिया, 9:30 निकलना था. बच्चा ठीक है, यहाँ से 3.5 किलोमीटर है. 6 घंटे के अंदर अगर अच्छी बस हो तो पहुँचा देंगे. निकलते हैं.
बस का टिकट ले लिया, बढ़िया सी बस है, सबसे मेरे को बेस्ट कंपनी पे लेके आया। मेरे को बेस्ट वाला नहीं चाहिए था, पर बेस्ट वाले पे लेके आया, छोटे डिस्टेंस के लिए भी। 6 घंटे का जर्नी है, 9,000 सिफा ले लिया। 9,000 सिफा बहुत पैसे होते हैं, 9,000 सिफा मतलब $15, 6 घंटे के लिए $15। 5,000 सिफा में आप जा सकते हो, मतलब 700 रुपये में, बट चलो ठीक है, दे दिया, क्या ही कर सकते हैं। हेलो, पैसे दिए लग्जरी की, मानना पड़ेगा, सर्विस भी हमें किधर मिल रहा है। लेडी आके सबको अपनी सीट पे बैठा रही है। आप लेग रूम देखो, आप देखो जरा, आपको लगेगा कि नहीं आप एफ्रीका में तो आप यहाँ लेग रूम देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा है, मतलब ये 6 घंटे की जर्नी, ये बिजनेस क्लास सीट से बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सीट्स हैं। कहाँ मैं इतना देर घिस रहा था, इतना देर अफ्रीका में, आज पैसे देके अच्छा सर्विस मिल रहा है। मेरे को लगता है खाना चाय पानी भी देंगे, लगता है पूरा मेरा 1200 रुपये 6 घंटे में वसूल कर लूँगा। टीवी है, वाईफाई भी है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, बट ये लग्जरी बस है, यहाँ पर बुर्किना फासो में। सारे 12 बजे ऑलरेडी हम लोग निकल पड़े हैं, तो एकदम पंचुअलिटी है इधर। अभी माइक में कुछ अनाउंसमेंट किया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया सच में। खाना वाना दे दीजिए, मेरे को नहीं पता क्या मिल रहा है यहाँ पे। अजीब सा फीलिंग हो रहा है, लगी नहीं ना कि इतने ख़तरनाक देश में हूँ, जहाँ पे मतलब आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि क्या चल रहा है यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन, और बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा है कि बसों को रोक के लूटपाट किया जाता है और लोगों को उठा के मार दिया जाता है। मेरे को तो एक जर्नलिस्ट ने ऐसा बोला कि निकालते हैं आदमी और औरत को सेपरेट करते हैं, और क्योंकि आईएसआईएस के लोग हैं, मतलब इस्लाम के सेपरेटिस्ट, तो अगर देखते हैं कि तुम इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करते हो तो मार देते हैं, किडनैप कर देते हैं। उस एरिया में ऐसा ऐसे बस में जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। पहला चीज़ मिला है एक ऑरेंज जूस, सब बढ़िया है। एक चीज़ नहीं है यहाँ पे कि इस बस में टॉयलेट नहीं है, तो गाड़ी रुक रहा था बार बार, लोग बूंदने जा रहे थे बाहर, थोड़ी बूंदीबांदी बारिश शुरू हो गया है। और ठीक टाइम पहुँच गए, 5.5 घंटे के अंदर घुसा दिया मगधपुर के अंदर, और पहला इम्प्रेशन शहर बहुत साफ है, शहर के साइड में कचरा नहीं दिख रहा उतना। तो वहाँ पे टैक्सी लेके आ गया है, बहुत दूर था टैक्सी से, अभी सेंटर में है, वो बस स्टेशन बहुत दूर था। टैक्सी वाला 5,000 मांग रहा था, फिर मैंने बोला भाई तू और लोग उठा ले, पर मैं 5,000 तो नहीं देने वाला, पर मैंने 2,000 दिया, यानी कि
300 रुपए के आसपास, 270 रुपए। अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, मेरा होस्ट आ गया, अंदर गया है। अमी अमी अमी